नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैक्टिक्स फूड और में। दोस्तों, अगर आपने HDFC बैंक का स्विगी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया या फिर आप HDFC बैंक का स्विगी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो उससे पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप ये मालूम कर पाएंगे कि आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में HDFC बैंक स्विगी क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले हर एक बेनिफिट की सच्चाई आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं और मिलने वाले बेनिफिट पर क्या क्या कैपिंग दी गई है। इसलिए दोस्तों, आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा तरह एक ही बात कहूंगा कि अगर आप किसी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड आप लेना चाहते हैं तो मैंने आपके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद ये मालूम कर पाएंगे कि आपका किन किन बैंकों की तरफ से क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर है। दोस्तों, अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर मिलता है तो वहां से आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद 2 मिनट का टाइम निकाल के आप अपना ऑफर जरूर चेक करें और अगर आपको ऑफर मिलता है तो वहां से आप क्रेडिट कार्ड जरूर अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं अगर आप HDFC बैंक का स्विगी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको कौन कौन से बेनिफिट मिल जाते हैं और मिलने वाले बेनिफिट पर क्या कैपिंग दी और क्या कंडीशन दी गई है। दोस्तों, ये जो आप क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं ये है HDFC बैंक का स्विगी क्रेडिट कार्ड। अब सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले एनुअल चार्जेस की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फीस है वो है 500 पर ईयर। लेकिन दोस्तों, आप चाहे इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस को वेव करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक साल के अंदर में 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा अपने क्रेडिट कार्ड को। अगर आप एक साल के अंदर में 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड कर लेते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को तो आपके क्रेडिट कार्ड पर लगने वाली एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले वेलकम बेनिफिट की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस क्रेडिट कार्ड पर एक वेलकम बेनिफिट आपको मिल जाता है। दोस्तों, वेलकम बेनिफिट में आपको स्विगी बन के मेंबरशिप आपको बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाती है 3 मंथ्स के लिए। इसकी प्राइस है 1199 जो कि आपको कार्ड एक्टिवेशन पर आपको बिल्कुल फ्री में आपको ये मिल जाती है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले मेन बेनिफिट की, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले कैशबैक बेनिफिट की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस क्रेडिट कार्ड का जो मेन बेनिफिट है वो इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला 10% कैशबैक ऑन स्विगी प्लेटफॉर्म। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को स्विगी पर यूज करेंगे, चाहे स्विगी फूड ऑर्डरिंग के लिए या फिर स्विगी इंस्टामार्ट के लिए या फिर दोस्तों आप चाहे तो स्विगी डाइन आउट पर यूज करते हैं तो आपको 10% का जो कैशबैक है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बेनिफिट पर एक कैपिंग दी कि आप हर महीने 1500 रुपए तक के कैशबैक अर्न कर सकते हैं। 1500 रुपए ज्यादा कैशबैक आप अर्न नहीं कर सकते। अगर आप हर महीने 1500 रुपए तक के कैशबैक भी अर्न करेंगे तो आप एक साल के अंदर में 18000 रुपए तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड पर आपको ऑनलाइन स्पेंड पर आपको 5% का कैशबैक आपको मिल जाता है। और दोस्तों, इस बेनिफिट पर भी एक कैपिंग है कि आप हर महीने 1500 रुपए तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन स्पेंड पर भी 5% का कैशबैक अर्न कर सकते हैं और एक साल के अंदर में आप 18000 रुपए तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 1% का कैशबैक मिल जाता है ऑफलाइन स्पेंड पर। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ऑफलाइन कहीं पर भी यूज करेंगे तो आपको 1% का जो कैशबैक है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो कैशबैक मिलेगा वो आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, बाकी के बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर जो आपको कैशबैक मिलता है वो आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जो आपको कैशबैक मिलेगा वो मिलेगा आपको स्विगी मनी में। स्विगी मनी एक डिजिटल वॉलेट है जो कि स्विगी का ही है। जो भी कैशबैक आप अर्न करेंगे वो कैशबैक आपको स्विगी मनी मिलेगा और आप उस कैशबैक को स्विगी पर ही आप यूज कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच कर क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं कि आपको 10% का कैशबैक मिल जाएगा, 5% का ऑनलाइन स्पेंड पर आपको कैशबैक मिलेगा और वो कैशबैक आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा तो आप बिल्कुल गलत है। अगर आप स्पेशली स्विगी के लिए इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप स्विगी को कभी कभी यूज करते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए सही नहीं रहेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पर आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट आपको मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों 50 डेज का आपको इंटरेस्ट फ्री टाइम आपको मिल जाता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पर आपको स्मार्ट EMI का बेनिफिट आपको मिल जाता है। अगर मान लीजिए आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई बड़ी ट्रांसफर करते हैं तो इजीली आप उस अमाउंट को EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पर आपको 1% का चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप EMI में अमाउंट कन्वर्ट करेंगे तो। इसके अलावा दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड पर आपको लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थे HDFC बैंक स्विगी क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले बेनिफिट। अगर ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, आप चाहे तो वहां से भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्विगी को कभी कभी यूज करते हैं तो मेरी समझ से आप इस क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल भी अप्लाई न करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।